गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली है। गुरुवार यानी 18 जून को एक बार फिर जिले में कोरोना संक्रमण के 20 नए मामले मिले हैं। इससे पहले यानी बुधवार और मंगलवार को यानी दोनों दिन गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के 19 मामले देखने को मिले थे। आज मिले 20 मरीजों में से गाजीपुर में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 247 हो गई है। हालांकि इसमें से 160 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो आज के नए मरीजों को जोड़ने के बाद गाजीपुर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 87 हो गई है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि गाजीपुर में ये जो नए मरीज मिले हैं वो कहां कहां के रहने वाले हैं। एक मरीज खानपुर सैदपुर, एक नवापुरा मोहम्मदाबाद, एक नौली, एक अवती और एक रेवतीपुर के रहने वाले हैं। इसी तरह एक मरीज मिर्दादपुर नौनहरा के, एक नसरुद्दीनपुर कासिमाबाद के, एक प्रतापगढ़ कासिमाबाद के और एक डेहवा नौनहरा कासिमाबाद के रहने वाले हैं। कोरोना संक्रमित दो मरीज महुआरी कासिमाबाद के, एक बहलोलपुर दुल्लहपुर बिरनो के और एक रामगढ़ बिंदपुरा कासिमाबाद के रहने वाले हैं। इसी क्रम में देखें तो कोरोना संक्रमण के दो मरीज करदह कैथोली मरदक के, एक टोंगा सेवराई रेवतीपुर के और एक गंगानगर सैदपुर के रहने वाले हैं। एक मरीज भरौली बाराचवर के, एक शेरपुर खुर्द भावरकोल के तो एक मोहम्मदपुर माता बाराचवर गाजीपुर के रहने वाले हैं। इस बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जून 2020 के अंत तक कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाकर 1.5 लाख किया जाए। यूपी सीएम ने प्रदेश में कोरोना के टेस्टों की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि 20 जून 2020 तक टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर 20,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की कोशिश की जाए। आपको बता दें कि भले ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत हो गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। अगर आप कोरोना संक्रमण से बचना चाहते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी और मास्क पहनना ही होगा। साथ ही खान पान दुरुस्त रख इम्यूनिटी को भी मजबूत रखना होगा। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।